हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह सुबह चल रहा है इनका प्यार जो डेली चलता है। उठ गई हूँ मैं अभी, बज गए हैं 8:30 का। कमली आंटी का टाइम चेंज कर दिया था तो अब वो जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो वाला टाइम जो सुन नहीं कर रहा था, वो मैंने ना जब जागता था ना उस टाइम मम्मी ने वो टाइम करवाया था, उसके बाद ना चेंज ही नहीं करा। तो अब फाइन, मतलब बोला तो कई बार बरंटी ने करानी, अभी फिलहाल हमारा चेंज हो गया, क्योंकि हमारा ये होता है कहीं बाहर जाना हो ना तो फिर पोचे के चक्कर में घर पे ही रुकना पड़ता था। ठीक है, और मैं आ गई हूँ अंदर वॉशरूम में, वो बाहर है दोनों पापा बेटा। और कल क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी तो वहां पे कुछ अलग तरीके से इनको बताऊंगी, बट इनको खुद से समझ ही नहीं आया। इनको लगा कि मैंने नॉर्मली ही डाली है, जैसे नॉर्मल टी शर्ट डालती हूँ, इनको समझ ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि कैसे बताऊं कैसे बताऊं, उसके बाद ना मेरी हालत से थोड़ी खराब हो गई, मतलब कि ऐसे फीवर सा लग रहा था मुझे, तो मैंने ना ऐसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल जाने दिया। दूसरा व्लॉग भी हुआ हमारा, बट उसमें मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, पर वो व्लॉग जब तक देखेंगे ना, जो मेरा वाला व्लॉग है जिसमें कल मैं बता रही थी, वो व्लॉग देखेंगे तब तक आज मेरे को वो चीज़ बता चुकी होंगी। और वैसे पहले क्या होता था ना, हम खुद का व्लॉग भी सुबह सुबह देख लेते थे, अभी एम ए हो गया ना इसकी वजह से ना इनको खुद को इतना टाइम नहीं मिलता कि हमारा खुद का व्लॉग देखे। और शूट तो मैं ही करती हूँ, एडिट भी मैंने ही किया है, तो इनको पता भी नहीं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। तो बट फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक ये व्लॉग देखे ना तब तक तो मैं इनको बता दूँ, ताकि इनको वहाँ से ना पता चल के, क्या पता 1% देख ले तो मैं ही बताऊँ। तो रेडी, अभी तो 8:30 ही हुए हैं, तो मैं नहा धो देती हूँ और फिर इनको बताती हूँ। मैंने सोचा था मैं नहा के आऊंगी पहले, मित्तू नहा के आ भी गई मेरे से पहले। चलो नहाई नहाई करके आओ, अब पहले अम्मी को नहलाएंगे फिर मैं नहाऊंगी। नहाई नहाई करके आओ, छोड़ दे इसने तो। देखो उस दिन बोल रहे थे ना एक जोड़ी जूते बाहर रखता हूँ, अभी भी ना 2 जोड़ी है। इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, ना ये सुधर सकते, कितना भी बोलो अपना माइंड खराब करना है, इससे बढ़िया खुद ही कर लो सारे काम। एमी नहला के बाहर भिजवा दिया, मतलब बाहर चला गया, सो गया झूले में, सुला के उसको आई हूँ दूध दाद पिला के, और अपने रूम की डस्टिंग कर दी है, और अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद जाऊँगी बाहर और आज देंगे सरप्राइज बड़ा। और कल ना मेरा चैलेंज भी था भाई, पर कल मेरी एक तो ऐसी न्यूज़ एकदम से देखी मैंने, मैं खुद शॉक में थी, और कुछ फिर आफ्टरनून के बाद, मतलब दोपहर से हो गई थी 11-12 बजे के बाद, थोड़ी तबीयत से मुझे खुद को सही फील नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने ना नहीं करा। बाकी सूट मेरे 2 ऑलरेडी रेडी हुए रखे हैं सेम, तो आज मैं डालूंगी ऑरेंज वाला, कल मैंने ये वाला डालना था, ये रेडी है, इसके बाद एक पर्पल वाला है वो भी रेडी होके रखा है सेम मम्मी का और मेरा, तो ये डालने थे बट क्या करो डाल ही नहीं पाई, कल नहीं हो पाया। कोई नहीं, फिर एक दिन गया तो ऐसा कुछ मैंने वो स्ट्रिक्टली नहीं था कि मैंने कहीं पे लिखा है, आज कर दूंगी। और ये है प्यारा सा सूट, और ऑरेंज कलर का मेरे पास था भी नहीं, सिंपल सा दुपट्टा इसका, तो पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वाला सूट आया हुआ है पाकिस्तानी, बहुत ही सुंदर सा, एक एक सेट पड़ा हुआ है अभी। ये वाला सूट है वो जो मैं दिखा रही हूँ, रेडी हो रखा है, पर्पल वाला दिखाऊंगी। और ये है सुंदर सी साड़ी, तो मैंने ना ये वाला सूट डाला है, सलवार की तो बिल्कुल ही प्रेस बिगड़ी हुई है, क्योंकि ये कोरियर होके आते हैं ना तो प्रेस वैसे ही बिगड़ जाती है। ये देखो घर की पीरा तू, तैयार होना रह गया बस पहन लिया। ये ना टाइट था तो मैंने ना इसको खोला है यहाँ से साइड से ना, दो मशीन थी खोल दिया। मुझे लगता है मुझे प्रेस करनी चाहिए सलवार पे या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने ना प्रेस करी ली, क्योंकि ना वो ज़्यादा ही सिलवटें पड़ी हुई थी, तो मैंने ना प्रेस कर ली इसको। ऐसा लग रहा है वाला सूट, मेरे पास ना ऑरेंज कलर था नहीं काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगा कि बार ना मैं ऑरेंज मंगवाती हूँ। तो सलवार वाला ये सिंपल सेम मम्मी का, बाहर जाके दिखाती हूँ मैं, ये कल करने वाली थी बट आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या होगी, तो मैंने नहीं करा कल, नहीं कर पाई मैं। और सिंपल सा लुक किया, देख सकते हो छोटी सी बिंदी है, मतलब बिल्कुल लाइट सा किया है, और चूड़ियाँ भी डाली आज मैंने। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना।
तो इधर जोत भी लगा दी है, सारे दर्शन कर लो। जय माता दी। प्लीज रेडी हो जाओ सब सरप्राइज रिवील करवाने के लिए, करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर, इसमें है वो सरप्राइज। तो नॉर्मली जाके तो नहीं दिखाऊंगी, कुछ थोड़ा सा अलग करूंगी। तो चलिए साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि क्या करने वाली हूँ। इसको ना मैं फिलहाल यहीं रख देती हूँ। मिस हो गया? व्लॉग भी शुरू कर लिया करो, कभी तो कुछ कर लिया करो। कर लिया? खाना डाल लूं? मम्मी कहाँ गई? ना कहाँ आई है? फिर साथ में खाओगे या डाल के लेकर आऊँ? बस ना ही लूँगी, डाल लूँ। चलो खाना डाल के लेके आते। आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया था जल्दी उठ के। पसंद आएगा आपको, देखना। ये लो, आज आपके लिए बनाया है कुछ स्पेशल। क्या है? आपको जो पसंद है, है? आपको जो पसंद है खाओ। ये कटोरी प्लेट तो पसंद नहीं है मेरे को। अरे तो चेक तो करो, पसंद नहीं है तुम्हारे तो नखरे ही बहुत है यार। ये कागज खाना है? हाँ कागज खाना। क्या ड्राम है वो? तुम्हारे लिए कुछ बनवाया मैंने, खुश हो जाओगे देख के। मेरे कुछ बनवाया है? अच्छा ये बनवाया है? मम्मी जल्दी आ, तेरे बोल के बनवा लेके आई है। के बनाए जे? हैं बनाए जे? दादी बनाई तुम? दादी दादी मन तो बनाई गणा दिन हो भाई। अरे फिर बना के देंगे, प्लेट ले के आएंगे तो आगे। यो केस है? हैं केस है? केस है के है यो? आज अल्लाह आशीर्वाद दे तो मैं छवास भाई मारा ते देखड़ा पना है, मेरा ते देखड़ा पना। हां मतलब मम्मी ने कोई खुशी ही नहीं हुई है, मैं दोबारा दादी बना दी है। और झूठ बोलती होगी देख, मैं तो बताइयो सच्ची भाई ती आ की हिसाब से तो यो तो दिखे सच्ची बताओ। कदे मन पागल बना रहे हो या सच्चाई है? एमी के टाइम पे भी तो मैंने इसी से कंफर्म करा था। उसके कितने दिन बाद गए थे? 4-5 दिन बाद गए थे डॉक्टर के पास। तो पहले बढ़िया पहले इससे चेक किया था। बढ़िया करे भाई, ये तुम्हें पढ़ लेंगे दोनों एक साथ करेंगे कैसे बच्चे? मेरे को तो ये टेंशन है। एक नंबर से मार दूंगी यो बैग में। इतने कल आप लोगों को मैंने इतने हिंट दिए, इतने हिंट दिए, इतने हिंट दिए, तुम पागल का ना हो गए दोनों के भाई? मैं तो क्यों समझ। कल मैंने कौन सी टी शर्ट पहनी थी? मॉम टोपी। फिर मम्मी को दिखाया, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैंने देखो क्या पहना, क्या लिखा हुआ इस पे? मॉम टू भी लिखा भाई, मैंने लिख रखा था। और आप मेरे को पैर कह रहे हो, मैंने जबरदस्ती दिखाने के लिए खाली टी शर्ट पहनी, नीचे गर्म पजामा पहना। मैं तो नहीं ध्यान गुन करे, सर्दी का टाइम सर, नीचे तो इतना गर्म पैर ही, ऊपर यो पैर ही कब जो, मैं तो नहीं कह के चली गई तने। मगर ध्यान आप कभी ध्यान नहीं गया, आप तो हमेशा हमेशा देखते हो आप मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है। कल कहाँ ध्यान था? वैसे पहन लिया होगा, कई दिन हो गया, हो लिया होगा है, वैसे पहन लिया होगी फोन। कुछ तो सोचते। और मैं स्पेशली गाइस इनको ये बोल रही हूँ कि कुछ तो अलग है आज, कुछ तो अलग है। हाँ तूने काजल लगा लिया। एमी जल्दी उठो, जल्दी उठो जल्दी। अरे 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 ये थमी हो, एमी बहुत छोटा है। एमी साड़ी उठ गया, एमी उठ गया। नहीं बात तू ना हो, नहीं बात तू ना हो, आपकी प्रॉपर्टी से हिस्सा होने वाला है। अरे रत्ता जी ये सरप्राइज था, आप लोगों को कैसा लगा? बाकी एक बार चेक तो मैंने कर ही लिया है, पर डॉक्टर ने कब लेके चले हुए? आज कल पूछ लो, कर लो फोन उसको।
तो अभी डॉक्टर से मैंने कुछ भी बात नहीं, पहले मुझे ये था कि पहले इन लोगों को बता दूं, फिर मुझे समझ, पहले तो मैंने सोचा था कि कोई ना गिफ्ट वगैरह पैक करवाऊं डब्बे में डब्बा डाल के, पर दिक्कत ये है कि मैं अकेले बाहर कहाँ जाऊं, किससे मंगवाऊं, ये साथ मेरे इनको शक हो जाए, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अम्मी को छोड़ के वैसे नहीं जा सकते। ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी, ये तो ऑनलाइन हो जाती है, वैसे मैं घर से बाहर जाऊं तो जाती ही नहीं हूं कभी। वो भी उठ गया, ये भी जाती हूँ तो सिर्फ नीचे वॉक करने के लिए आने वाला है। ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी, पार्सल मेरे आते रहते हैं तो इनको कुछ 1% भी शक नहीं हुआ कि क्या आया क्या नहीं आया, पार्सल मेरे दिन भर लगे ही रहते हैं, मैंने कल चेक किया था ये वो उठ गया भी। अच्छा इतना इतना हिंट दिया, इतनी कोशिश करी और एकदम से सोच सोच के, क्योंकि पहले भी प्लान नहीं था अब भी प्लान नहीं था, तो ऐसे शाम को जो मेरे फीवर हुआ था मेरे को ये टेंशन थी कि मतलब मैं कैसे करूंगी, अभी ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा अभी कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होएगा। एमी का करना बात पड़ता है, एमी खड़े हो लियो, ये क्या हो रहा है ना एमी, क्या हो रहा है एमी, छोटी बहन लेके आएगा ना बेटा, ओए हीरो, ओहो ओहो दुद्दू गिरा, ओ भाई दही गिरा दी, रे दही गिरा दी लड़के ने। चलो भाई तैयारी करो, फिर गूंद का निकाल के जाएंगे, फिर कुरेशी को से पहले वाले का तो मैंने गूंद खाया को नहीं, मैं गूंद खाऊंगी पहले वाले का तो मैंने गूंद खाया को नहीं, ईब गूंद खाऊंगी मैं, गूंद तो पार्टी दो मुझे, पार्टी चाहिए, चल पार्टी लेते, चल क्या पार्टी दोगे, खाना खा लेते हैं, ये भी ना इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि कल जो मेरे साथ हो रहा था ना, आज इन लोगों के साथ हो रहा है, ये अभी जब कैमरा बंद होएगा ना तब ये मेरे को सुनाएंगे अच्छी अच्छी। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद,